छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किसानों ने आज भारतीय स्टेट बैंक एवं व्यापारियों से परेशान होकर मकसूदनगढ़ चौराहे पर चक्का जाम करने की कोशिश की। जैसे ये जानकारी मकसूदनगढ़ तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा को लगी तो तहसीलदार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर दोबारा मंडी चालू करवा दी। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी किसानों द्वारा मकसूदनगढ़ में चक्का जाम एवं दुकान तोड़ने की घटनाएं सामने आ चुकी है। जब हमने इस संबंध में गंभीरता से मामले की छानबीन की तो सामने आया कि मकसूदनगढ़ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा व्यापारियों के मंडी के हिसाब से पैसे कम दिए जाते हैं। इसी के चलते व्यापारी किसानों की ज्यादा फसल नहीं खरीद पाते। सूत्र बताते हैं कि मकसूदनगढ़ में एक ही भारतीय स्टेट बैंक होने के कारण स्टाफ की मनमानी मकसूदनगढ़ में चलती है और जिस किसी किसान की कर्मचारियों से सेकेंडरी होती है बस उसी व्यक्ति को बैंक के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। और हम आपको बता दें कि पूर्व में भी भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा बैंक के खाताधारक के साथ अभद्रता करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। किसानों द्वारा की जा रही चक्का जाम करने की कोशिश पर भी हमने भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर मीना से बात करना चाही तो भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर जयराम मीना कैमरे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुए और कैमरा देखते ही कैमरे के सामने से भाग गए। साथ ही बैंक अपनी मनमानी कर रहा है। इसी के चलते आज एक बार फिर किसानों ने मकसूदनगढ़ चौराहे पर चक्का जाम करने की कोशिश की, जिसकी जानकारी समय रहते मकसूदनगढ़ तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा को लगी तो तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंच गए और किसानों को समझाया और व्यापारियों से बात भी की। भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर जयराम मीना को भी कड़ी हिदायत देकर दोबारा से मंडी चालू करा दी गई है। नहीं उसमें 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 ये चाहिए मुझे। नहीं नहीं आप बोलने में क्या जा रहा है, आपको पैसे नहीं है यार, बोलना नहीं है, बोला था सामने तो यहाँ कैमरे पे बोल दीजिए। क्या नाम है आपका? जयराम मीना। मकसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर पूर्णिशा की रिपोर्ट।